109F प्रोग्रामर से कैसे हम CRT TV का EEPROM IS को कॉपी करें और फ्यूचर में उसको यूज़ करें। ये हमारा फिलिप्स का 21 इंच CRT TV है, इसको मैं खोल के रखा हूँ। इसमें इसका PC में यहाँ पर EEPROM IS लगा है, निकाल कर इसको हम प्रोग्राम कर, इसको प्रोग्राम नहीं तो कॉपी करेंगे और नेक्स्ट अगर किसी का फॉल्ट आता है तो उसका डाटा हम दूसरे वाले ब्लैंक EEPROM IS में डाले देंगे। आइए उसको कॉपी करते हैं, हमारा सिस्टम स्क्रीन पर चलते हैं। पहले हम ये जो EEPROM IC है उसको हम RT809F के सॉकेट में लगाएंगे, इसको यहाँ पर लगाएंगे। ये जो नॉच का सिंबल है वहाँ पर इसको ऐसे करके लगा के उसको लॉक कर देंगे, ठीक है। अभी लॉक होने के बाद स्क्रीन पे चलते हैं, यहाँ पर स्क्रीन आ गया। वहाँ पर देखिए स्मार्ट आइडेंटिटी का ऑप्शन दिख रहा है, उसको ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए ये 24080 कैपेसिटी 8KB 1 byte ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, अभी रीड कर रहा है। उसके बाद ये दे रहा है सेव करने के लिए, उसको हम क्या करेंगे सेव कर देंगे, सेव करने कर देंगे। उसके बाद ये सेव हो गया, ये हमारा फाइल है, सॉरी यहाँ पर मैंने पहले से कर देता हूँ, ये हमारा फाइल है, ठीक है। इसको बाद में अब सिमिलर प्रोसेस करके उसके बाद हमको राइट कर देना है, ठीक है। थैंक यू।